स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन मॉम रिव्यूज़ पर। आज हम लिट्टी चोखा बनाएंगे। पहले हम चोखा बनाने की विधि देखेंगे। बैगन को अच्छे से धो लेंगे और उस पर एक परत ऑयल की लगा लेंगे और चाकू से होल करके इसके ऊपर होल कर देंगे और लहसुन बीच में डाल देंगे। इससे बैगन अच्छे से पक जाता है चारों तरफ से और बैंगन को हम लोग बार बार घुमाते रहेंगे चारों तरफ से, जिससे कि अच्छे से पक जाए। लिट्टी और चोखा हम दोनों बना रहे हैं तो दोनों के लिए मैंने प्याज लहसुन और मिर्ची को अलग अलग कर लिया है, जिनको हम चॉप करेंगे अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में। और ये उत्तर भारत की डिश है, बहुत फेमस डिश है लिट्टी चोखा, और सभी लोग पसंद करते हैं अधिकतर। और यहाँ पे चोखा बना रहे हैं तो अदरक ले लिया, नमक, काली मिर्च और करी पत्ता और राई, और प्याज लहसुन और मिर्ची जो हमने चॉप किया था वो है, बैंगन है, टमाटर, धनिया की पत्ती। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, आप मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो हम पहले राई डालेंगे। जब राई चटकने लगे उसके बाद हम अदरक और करी पत्ता भी डाल देंगे। और उसके बाद हम जो प्याज और लहसुन मिर्ची जो हमने चॉप करके रखी है वो डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाता। और बैंगन को हमने अच्छे से चेक कर लिया है, तो हमारा बैंगन पक गया है। अब जो हमने ये प्याज वगैरह डाला था वो अच्छे से पक गया, टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद हम काली मिर्च और नमक डाल देंगे और बैंगन डाल देंगे साथ में, और अच्छे से उसी में मैश कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मैश हो गया, और ऊपर से धनिया की पत्ती डाल देंगे। बैंगन तो हमारे पहले से ही पके थे तो ज़्यादा देर नहीं लगती पकाने में, बस धनिया की पत्ती डालने के बाद मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे लो फ्लेम पर, नहीं तो जल जाएगा, और हमारा चोखा तैयार है। अब लिट्टी बनाने की देखेंगे विधि कैसे बनाते हैं। तो हमने सत्तू ले लिया है, अदरक है, काला जीरा, लाल मिर्च थोड़ी सी ली है, नमक, अजवाइन और प्याज और लहसुन मिर्ची का जो हमने चॉप करके रखा था तीनों चीज़ वो डाल दिया है। हरी मिर्च हमने चॉप की है इसलिए लाल मिर्च ज़रा सी डालेंगे, और देखिए ये सब एक साथ मिक्स कर देंगे। अदरक है, काला जीरा है, ये सबको साथ में हम मिक्स कर देंगे। नमक आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, मिर्ची भी आपको अगर ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा मिर्ची डाल लीजिए। और नींबू का जूस डाल देंगे इसमें, तो बड़े बड़े 2 नींबू का जूस है ये जो मैंने निकाल के रखा था। आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप ज़्यादा खट्टा भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे
अगर आपके पास अचार का तेल पड़ा है तो वो भी डाल सकते हैं आप, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही आटा गूंद लेना है। तो मैंने आटा पहले से गूंद कर रखा है। और इसको आटे की लोई बना बना के छोटी छोटी उसमें स्टफ कर लेना है सत्तू को, जिस तरह से कि हम आलू का पराठा बनाते हैं स्टफ करते हैं, वैसे ही मैं देखिए स्टफ कर रही हूँ इसको। लिट्टी को हमें बेक करना है अवन में, तो इसलिए हम इसको बेलना तो है नहीं इसको, हमें खाली गोल गोल ऐसे बनाकर जैसे लिट्टी बनती है उसका लिट्टी का शेप देके बस रख देना है। और मैंने अवन को पहले से ही गर्म करने के लिए होने के लिए रख दिया है। उसके बर्तन में मैंने थोड़ा सा घी पहले से लगा दिया है। अब लिट्टी में भी एक लेयर जो है घी का लगा के हम अवन के बर्तन में उसको अरेंज कर देंगे। इससे लिट्टी हमारी सॉफ्ट बनती है, अच्छा टेस्ट आता है और अच्छे से पक जाती है। ये देखिए अरेंज हो गया, अब हम इसको अवन में रख देंगे। इसको बेक मोड में डाल के अवन को 200 डिग्री सेल्सियस में पकाएंगे 30 मिनट के लिए। ये देखिए 200 डिग्री सेल्सियस दबा दिया और 30 मिनट और स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद चेक कर लेंगे कि घूम रहा है लिट्टी हमारा, और अब हम इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद फिर हम इसको बाहर निकाल कर इसको पलट देंगे, जिससे कि चारों तरफ से हमारी लिट्टी अच्छे से पक जाए। अब 30 मिनट हो गए हैं। अब सावधानी से, क्योंकि ओवन बहुत गर्म है, तो सावधानी से बाहर निकालेंगे इसको लिट्टी को। देखिए चारों तरफ से हमारी लिट्टी तैयार हो गई पक के, अच्छे से बेक हो गई है। सॉफ्ट भी है और इसको अच्छे से चोखे के साथ हम सर्व कर सकते हैं। लिट्टी चोखे के साथ घी बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, तो घी ज़रूर रखें। इसको फोड़ कर लिट्टी को उसमें घी डाल के खाया जाता है, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। तो एक बार आप इस तरह से ट्राई ज़रूर करिए, आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।